तो स्वागत है आपका मैट 10 के इंडिया टॉप 100 की पुशिंग में। और इस सीरीज में हम सीजन के एंड तक मैट 10 में इंडिया टॉप 100 में जाने की कोशिश करेंगे। और आपको तो पता ही होगा कि मैट 10 को BR रैंक में चलाना कितना हार्ड होता है। एक तो लेवल 4 हेलमेट और लेवल 4 वेस्ट वाले लोग जिन्हें कितने भी बुलेट्स मारो मरते ही नहीं है, और ऊपर से 7th एनिवर्सरी वाले शॉटगन के लोग दो दो गोली चला के ऐसे पीछे पड़ जाएंगे कि पूछो मत। तो यार आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैच में ही आ चुका था नेक्स्ट एरा मैप, और फिर मैं मैक 10 लेने के बाद आगे बढ़ ही रहा था तभी मुझे ये इधर बंदी दिखती है। तो फिर मैं इसको बहुत ही गंदे वाला डैमेज देता हूँ, फिर इस पे ताश वाले के रश भी करता, पर पता नहीं ये बंदी कहाँ पर कैसे तो गायब ही हो जाती है। फिर मैं आसपास उस बंदी को ढूंढ रहा होता हूँ, पर ये बंदी मिल ही नहीं रही होती है। तो फिर मैं सोचता हूँ यार छोड़ो, अभी पहले थोड़ी सी लूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फाइट लेंगे। तो फिर मैं थोड़ी बहुत लूट करने के बाद आगे बढ़ रहा होता हूँ तभी मुझे ये बंदी दिख जाती है। तो फिर मैं इसको एक बहुत ही ऊपर वाला हेडशॉट दे देता हूँ, और फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ उसको थोड़ा और डैमेज देने के लिए वैसे ही ऊपर चली जाती है। तो फिर मैं इधर से गोली मारने की ट्राई करता हूँ, बट इसको बिल्कुल भी बुलेट्स कनेक्ट नहीं होती। तो फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ, और फिर इधर मैं जैसे ही आता हूँ वैसे मुझे लॉन्ग रेंज में इधर ये बंदे दिखते। तो फिर मैं पैराफेल से बहुत ही गंदे वाले इसको डैमेज दे देता हूँ और कर देता हूँ ग्लू वॉल लगा के रश। पर इतने में ये बंदे मुझ पर डबल वेक्टर लेके कर देते हैं फायर, और जैसे मैं इसको मारने जा रहा हूँ तो वैसे ये बंदे ग्लू वॉल लगा लेती है। फिर मैं फटाफट से एक मेडिकेट लगाता हूँ और फिर कर देता हूँ इस बंदे पे रश, पर ये बंदे तो बाहर ही निकल जाती है। तो फिर मैं इसको बहुत ही ओपी वाला डैमेज देता हूँ, और फिर हेडशॉट के साथ कर देता हूँ इस बंदे को फिनिश, और आ जाता है हमारा मैक 10 से पहला किल। तो इधर जोन ऑलमोस्ट आ ही चुका होता है, तो फिर मैं फटाफट से वेंडिंग मशीन के पास जाता हूँ 4x स्कोप खरीदने। पर इतने में ही एक बंदा नेट्स की बरसात कर देता है, इसलिए मैं फटाफट से ताचुआ लगा के कर देता हूँ इस बंदे पे रश। और जैसे ही इस बंदे को मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ वैसे ही एक ग्लूवॉल लगा देता है, और पीछे से आकर मुझे बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता है। तो फिर मैं फटाफट से ग्लूवॉल लगाता हूँ और मेडकिट ले लेता हूँ, पर इतने में ये बंदा तो ऊपर से ही आ जाता है। तो फिर इसने भी मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर मैंने कैसे भी बॉडी बॉडी करके इसको आखिर में मार ही दिया। और यार सच बताओ तो इस मोमेंट तक तो मुझे लगा था कि मैं तो गया, पर कैसे भी करके चलो मैंने इसको मार ही दिया। तो इस मोमेंट तक तो जोन बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका था, और आगे से एक गाड़ी आ रही थी। तो फिर मैंने इस पे फायर किया, पर ये बंदे नीचे उतर के मेरे पे दो गोली शॉटगन से इसने फायर कर दिया। तो फिर मैंने सोचा लास्ट जोन तक आ चुके हैं, अभी मेरे को बिल्कुल भी शॉटगन वाले से पंगा नहीं लेना। तो फिर मैं इसकी ही गाड़ी लेके इधर से भाग गया। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार अभी किसी से भी फाइट लेने को मैं तैयार हूँ। तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो इधर मुझे वो ही वाली बंदी दिख गई। तो फिर मैं गाड़ी से उतरा और उस पर कर दिया फायर, पर उसने लगा लिया ग्लू वॉल। तो फिर मैंने भी थोड़ा कवर लिया और स्किल ब्लॉक करके मैंने इस पे जो है फायर कर दिया। और जैसे ही मैं तासवे लेके रश किया वैसे मुझे दिखा कि आगे वाले बंदे ने जो है दूर से इस बंदी को मार ही दिया। तो फिर मैंने सोचा यार चलो इस बंदी से तो छुटकारा मिला, पर ये दूर वाला बंदा तो मुझे जीने ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैं फटाफट से उधर से निकल के इस वाले घर में आ गया, और इधर बैठ के मैंने कर दी हील। तो फिर हील करने के बाद मैं थोड़ा बाहर आता हूँ, पर इधर मुझे पड़ जाता डैमेज। तो फिर मैं फटाफट से वापस से जो है अंदर चले जाता हूँ और वापस से एक मेडिकेट लगा लेता हूँ, और फिर इधर मैं आसपास नजर रख ही रहा होता हूँ तभी मुझे ये दूर से ये बंदा दिखता है। तो फिर मैं ओम से स्कोप करके इसको एक शॉट दे देता हूँ, और इतने में ये बंदा मर भी जाता है। तो ये किल तो आ जाता है मेरा ओम से। तो इधर मुझे ये वाला बंदा आते हुए दिखता है, तो फिर मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, बट इसको एक भी गोली नहीं लगती। तो फिर मैं थोड़ा सा बैक ऑफ कर लेता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर जो है ये नई वाली गन छोड़ देता हूँ, पर इसका कोई डैमेज तो आता नहीं है। तो फिर मैं पीछे से होके जाता हूँ, पर ये बंदा तो इधर नेड़ मार के ग्लूवल लगा लेता है, तो मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। तो फिर मैं इसको एस्केप करने के चक्कर में थोड़ा ऊपर जाता हूँ, पर इधर पता नहीं कहाँ से जो है ये बंदा मुझे मार देता है, और इतने में ही जो पीछे वाला बंदा होता है वो इसको भी मार देता है। तो इस गेम में मैक 10 में होता है 90 का प्लस, बिकॉज मैंने एक किल जो है ओम से किया था। तो नेक्स्ट मैच में मैं इधर शॉप से मैक 10 खरीदने के बाद आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तभी मुझे इधर ये बंदा दिखता है। तो फिर मैं गाड़ी से उतर के इसको बहुत ही गंदे वाला डैमेज देता हूँ, और ताचुआ से रश करने के बाद इसको बहुत ही ओपी वाला डैमेज देके कर देता हूँ ये वाला किल भी मैक 10 से। तो इधर मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तभी मुझे राइट में एक बंदा दिखता है। तो फिर मैं गाड़ी लेके कर देता हूँ उसके ऊपर रश, और फिर मैं गाड़ी से उतर के जो है इसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, और फिर ताचुआ के रश के साथ मैं इसको बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट दे देता हूँ। और गाइस यार इस हेडशॉट के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो इधर ना गाइस मैं इस गाड़ी का मेरी गाड़ी से पीछा कर रहा होता हूँ, और पीछा करते करते मैं इधर आ जाता हूँ, और फिर मैं इस गाड़ी को जाने देता हूँ क्योंकि मेरे को सामने ये वाला बंदा दिख जाता है। तो फिर मैं गाड़ी से उतर के इसको बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता हूँ।
फिर एक तात्सुया के रश के साथ इसको और भी बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, फिर एक आखिरी तात्सुया के रश के साथ इसको आखिरकार मैं मार ही देता हूँ, और ये वाला किल भी आ जाता है मेरा मैक 10 से। तो अब तक जोन बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका होता है, तो फिर मैं थोड़ा ऊपर की साइड आता हूँ, पर इधर ये बंदा अचानक से मेरे पे फायर कर देता है और मुझे ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा गंदे वाला डैमेज दे देता है। तो फिर मैं फटाफट से इधर पैक हो जाता हूँ और सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ, और फिर हील करने के बाद मैं इधर एक ग्लू वॉल मेल्टर डाल लेता हूँ ताकि मैं ग्लू वॉल से बाहर निकल सकूँ, और ग्लू से बाहर निकलने के बाद मैं इससे थोड़ी सी फाइट करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं इसको मार ही नहीं पा रहा होता हूँ, तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, और फिर मेरे पास होते हैं 5 ग्रेनेड्स। तो फिर मैं एक के बाद एक ग्रेनेड को कर करके इस पे बरसा देता हूँ। ये बंदा भी मेरे पे रश कर रहा होता है, पर ग्रेनेड के कारण इसको बहुत ही गंदे वाले डैमेज पड़ जाता है, तो इसी का फायदा उठाते हुए मैं इसके ऊपर कर देता हूँ रश, और बॉडी बॉडी मार के ये किल भी आ जाता है मेरा मैक 10 से। तो इधर ना लास्ट जोन श्रिंक हो रहा होता है, और ये बंदा लास्ट जोन में भी मॉन्स्टर ट्रक चला रहा था, तो फिर मैं इसके ऊपर फायर करता हूँ, पर ये बंदा मुझे ठोक देता है, और मैं पूरी ट्राई करता हूँ बचने के लिए, पर हर जगह से यार बंदे मार रहते हैं और आखिरकार मुझे यार मार ही देते हैं। तो यार इस मैच का बुआ तो मिस हो गया, पर तो भी मैक 10 में मैक्स प्लस हो चुका है। तो यार इधर नेक्स्ट मैच में मैं इस बाइक वाले का पीछा कर रहा था, और पीछा करते करते जब मैं थोड़ा आगे गया तब मैंने देखा कि ये बाइक वाले ने एक जन को इधर टक्कर दे दिया, तो फिर मैं वापस से जाके उसको वापस से मैंने ठोक दिया, और फिर उतर के इधर मैंने इसको मैक 10 से बॉडी बॉडी भर के ये किल ले लिया मैक 10 से। तो यार इस मोमेंट तक जोन बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका था, और आसपास सभी के सभी लोग गाड़ियां चला रहे थे, और आगे मैं तभी आता हूँ तभी मुझे ये बंदा दिखता है, तो फिर मैं फटाफट से इधर गाड़ी से उतरता हूँ और इसको बहुत ही ऊपर वाला डैमेज देता हूँ, और फिर इसको बहुत ही गंदे वाले हेड्स भी चिपकाता हूँ, और तात्सुया के साथ रश करके मैं इसको और भी ज्यादा डैमेज देता, पर ये मर ही नहीं रहा था, पर फाइनली इसको मैं मारता हूँ, और ये डिमित्री लगाया हुआ था, तो फिर मैं यार इसको फिनिश भी कर देता हूँ, और ये किल भी मेरा आ जाता है मैक 10 से। तो फिर मैं फटाफट से गाड़ी लेता हूँ और हील करते करते फिर वापस से जोन में चले जाता हूँ, और इधर मैं यार आगे बढ़ ही रहा था तभी मुझे आगे बंदा दिखता, तो मैं फटाफट से इसको ठोकता हूँ गाड़ी से, और मैक 10 से फिर इसको बहुत ही ओपी वाला डैमेज देके कर देता हूँ ये किल भी मैक 10 से। फिर मैं इधर आगे बढ़ ही रहा था, और ये देखो यार कैसी टक्कर हो जाती है हम दोनों के बीच में, और फिर ये देखो यार कैसे पलटती है, और फिर यार इधर लास्ट जोन में सारे लोग गाड़ी चला ही जा रहे थे, और इधर गाड़ी चलाते चलाते मुझे बंदा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको गाड़ी से टक्कर मारते, पर यार ये तो तात्सुया यूज करके भाग जाता है, तो फिर मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और सेफ जोन में जा रहा होता, तभी मेरी गाड़ी कोई फोड़ देता है, तो फिर मैं नीचे उतरता और ये बंदा मेरे पे रश कर रहा होता, तो इसको बहुत ही ओपी वाले हेड से था, पर यार ये बंदा मरता ही नहीं है, और एक बंदा टक्कर मार के मेरा वो वाला किल तो चुरा ही लेता है, साथ ही साथ मुझे बहुत ही गंदे वाला डैमेज भी दे देता है। तो फिर मैं फटाफट से इधर हील कर लेता हूँ, और इधर दो गाड़ियां भाई इधर चलाई जा रहे थे, और पता नहीं यार किसने इधर मुझे टक्कर मार दिया। सच बताओ तो यार कुछ देर तक तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि मुझे किसने टक्कर मारी। इधर ये गाड़ी वाला इधर गाड़ी रुक देता, तो फिर मैं इसी का फायदा उठा के इस गाड़ी में बैठ जाता, और मेरे बैठने की वजह से ये दोनों भी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो फिर इधर आगे बढ़ते हुए मुझे एक बंदा दिखता है, तो फिर मैं इसको गाड़ी से ठोक देता हूँ, और ये ठोकने के बाद मैं इसको मैक 10 से भर के ये किल भी ले लेता हूँ मैक 10 से, और इधर मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर ही रहा होता तभी ये बंदा मुझे बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता है, तो फिर मैं मेडकिट ले ही रहा होता तभी ये मेरी ग्लू वॉल फोड़ देता है, और एक और ग्लू वॉल लगा तो तभी ये बंदा बाहर निकल के जो है मुझे MP40 से मार ही देता है। तो यार ये बुआ भी मिस हो जाता है, पर इसमें भी होता है मैक्स प्लस, और इस मैच से मेरा डायमंड 3 से डायमंड 4 भी लग जाता है। तो इधर मैं 7th एनिवर्सरी में उतरने की ट्राई कर ही रहा होता हूँ, पर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, इसकी वजह से वो 7th एनिवर्सरी वाला पोर्टल यार गायब ही हो जाता है। फिर मैं पास में रखी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, और फिर गाड़ी से मैं इस बंदे को टक्कर देने की कोशिश करता हूँ पर दे नहीं पाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये बंदा तो टीम अप कर रहा है, तो फिर मैं भी इसके साथ टीम अप करता हूँ और इसको ये वाली गाड़ी में बिठा देता हूँ, और फिर मैं इसको लेके आ जाता हूँ पोची नॉक पे, और मैं जाते जाते कॉइन्स कलेक्ट कर करके जा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में एक खुफिया प्लान चल रहा था। तो फिर मैं गाड़ी को शॉप के पास लाके रोक देता हूँ, और शॉप से मैं एक मैक 10 और SMG एमओ खरीद लेता हूँ। और अब तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो प्लान के मुताबिक मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और फिर इसको बहुत ही ओपी वाले डैमेज के साथ ये किल कर लेता हूँ मैक 10 से। तो यार कुछ भी हो मुझे तो मैक 10 से किल करना था, जो कि मैंने कर लिया। तो गाइस आप देख सकते हो ये नोबड़ा कितना बड़ा धोखेबाज है। गाइस ये पांडू है, इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ठीक है, कुछ भी बोलता रहता है। तो इसके बाद गाइस मुझे नीचे किसी के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो फिर मैं जाता हूँ चेक करने किधर है बंदा, पर यार पीछे से ये बंदा G18 से मुझे बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता है, ऑलमोस्ट मैं यार 10 की HP का ही बच रहा होता हूँ। फिर मैं फटाफट से इधर मेडकिट ले लेता हूँ, पर इतने में ये बंदा तो इधर गाड़ी से ग्लू वॉल फोड़ देता है, पर मुझको डैमेज तो नहीं लगता और मैं इसको बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता हूँ, और फिर और ज्यादा बुलेट्स इस पे बरसा के ये किल वापस से मैं मैक 10 से कर देता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंदा वो ही था जिसको मैंने धोखा देके मारा था, तो बेचारा यार वापस
उस बदले की आग में इधर आया था बट मेरे हाथों से वापस पिट गया। देख रहे होगा इस नुबड़े को, धोखे में भी डबल धमाका ऑफर दे रहा है। अरे पांडु तू चुप हो जा यार। तो फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा होता तो यार ऊपर मुझे एक बंदा दिखता है, तो फिर मैं यार सोच रहा होता इसको कैसे मारूं कैसे मारूं, पर इतने में ये बंदा तो नीचे आ रहा होता है, तो फिर मैं इसको बहुत ही लाल लाल हेडशॉट्स मार के ये किल कर लेता हूं मैं हेडशॉट से। और यार जो तो मेरी मैकटन में प्लस होने वाली है ना मैं क्या ही बोलूं। तो फिर इधर मैं आगे बढ़ रहा होता तभी मुझे पता चलता कि आगे बंदा है, तो फिर मैं इधर ग्लू वॉल लगा के रश करता हूं और इधर ये बंदा होता है, तो फिर मैं इसको मारने की ट्राई करता हूं बट इसके पास तो ट्रोगोन होती है जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज दे देता है, और फिर ये बंदा रश करके मुझे मार ही देता है। तो यार बुया पे बुया मिस हुए जा रहे थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस मैच से मैक 10 में तो मैक्स प्लस ही निकलता है। तो नेक्स्ट मैच में तो मैं बुया करने का ही ठान लेता हूँ और फिर मैं शॉप पे जाके इटलीस ले लेता हूँ, और इटलीस तो पास ही होता है इसलिए फिर मैं आगे रिक्शा पड़ी होती है तो फिर रिक्शा में बैठ के इटलीस के पास जा रहा होता हूँ, और फिर इटलीस के पास पहुंचने के बाद मैं रिक्शा से उतर जाता हूँ, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे इधर ये बंदा दिखता है, तो फिर मैं इसके ऊपर फायर करता हूँ बट गोली नहीं लगती, तो फिर दूसरी बार जब फायर करता हूँ तो थोड़ा सा डैमेज आता है, फिर मैं ताश वाले के रश करता हूँ बट यार ये बंदा तो हुकोंग बन जाता है जिसकी वजह से कि मेरे शॉट्स तो इसको कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे, पर फिर भी मैं इसको एक हेडशॉट के साथ किल कर देता हूँ और ये किल भी आ जाता है मेरे मैक 10 से। फिर मैं मॉन्स्टर ट्रक से आगे जा ही रहा होता तो भी मुझे लेफ्ट में ये बंदा आते हुए दिखता है, तो फिर मैं मॉन्स्टर ट्रक से उतरता हूँ और इसको डैमेज देता हूँ, पर ये इतना ज्यादा डैमेज तो होता नहीं है। पर फिर मैं जब दूसरी बार इसको मारने जा रहा होता तब यार एक ग्लू वॉल लगा लेता है, फिर मैं वापस इसको मारने की ट्राई करता और इस बार ही तो मैं इसको बहुत ही ज्यादा डैमेज देता हूँ और आखिर ये इधर मर ही जाता है। तो फिर मैं इधर मॉन्स्टर ट्रक से आगे बढ़ रहा होता तभी ये बंदे दिखते, तो फिर मैं इसको ठोक देता हूँ और फिर किल लेने जा ही रहा होता तभी यार ये बंदा दूर से मेरा किल चुरा लेता है। इस किल चोरी के बाद तो मैं इसको मारने का ठान ही लेता हूँ, तो फिर मैं इसके ऊपर अंधाधुन रश कर देता हूँ और ये बंदा होता है इधर, तो फिर मैं इसको बॉडी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज देता हूँ और फिर एक हेड भी दे देता हूँ जिससे उसका हेलमेट भी फूट जाता है, पर ये बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है इसके वजह से मैं ये नई वाली गन से इसको मार देता हूँ, पर यार इसमें मेरा मैक 10 से तो किल नहीं आता पर बदला जरूर कम्प्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैं मॉन्स्टर ट्रक में आगे बढ़ रहा होता हूँ तभी मुझे ये बंदा भागते हुए दिखता है, तो फिर मैं इसको टक्कर मारने की ट्राई तो करता हूँ बट यार मार नहीं पाता, इसलिए मैं गाड़ी से उतरता हूँ और इसको बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे देता हूँ, पर ये भी बंदा कुछ कम नहीं था भाई, बहुत ही गंदा डैमेज दे रहा था और ये तो मुझे शॉटगन के साथ रश भी कर देता है, पर फिर भी मैं एक लास्ट रश करके इसको मार ही देता हूँ। यार इसे मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था बट कैसे भी करके मैंने इसको फिनिश कर ही दिया। फिर मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ रहा था तभी मुझे इधर ये बंदा दिखता है, तो फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और इसको डैमेज देता हूँ, पर यार ये पूरा नहीं मरता इसलिए मैं वापस से इसको मारता हूँ और इस बार बहुत ही ओपी दो हेडशॉट लग जाते हैं और इसकी वजह से मेरी मैक 10 भी 3 लेवल की हो जाती है और यार अभी किल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो इसके बाद मैं जीप से आगे बढ़ रहा था तभी सामने ये बंदा होता है और भाई मैं ग्लू वॉल जैसे फोड़ता हूँ ये बंदा सीधा इधर टक्कर खाके मर जाता है, पर यार मुझे इसको मैक 10 से फिनिश तो करना था बट यार ये किल तो मेरा व्हीकल से ही आ जाता है। तो अभी तक तो सिर्फ 3 बंदे ही बचे थे जिसमें से मैं भी एक था, इसलिए मैं इधर एयरड्रॉप के पास गाड़ी रोक देता हूँ और फिर मैं इधर आगे बढ़ रहा था और फिर मैं जैसे लेफ्ट में देखता तो भाई साहब ये तो मेरे पास ही आ रहा था और फिर मैं इसको बहुत ही ओपी वाला डैमेज देता हूँ और फिर स्कोपिंग करके इसको बॉडी बॉडी भर के मार ही देता हूँ और फिर भाई यार ये डिमिट्री लगा के पैक हो जाता है, तो भी इधर छेद था जिससे कि मैं अंदर जाता हूँ और इसको फिनिश भी कर देता हूँ। तो अभी बचे थे ओनली 2 पीपल जिसमें कि मैं भी एक था और सामने मेरे एक बंदा था और इधर ये नूव वॉक कर रहा था, तो मैं इसको जैसे मारना चाहता हूँ भाई ये धोखे वाले कैरेक्टर से यार टेलीपोर्ट हो जाता है, तो फिर मैं उस साइड जाके भी इसको बहुत डैमेज देता हूँ, पर यार ये लास्ट में ग्लू वॉल लगा ही देता है। फिर मैं सेफ्टी के लिए इस सेंटिनो कैरेक्टर को भाई तोड़ ही देता हूँ और फिर मैं इस नई गन वाली से फायर कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज आता है भाई। फिर एक और ग्लू वॉल लगा देता तो उस पर भी मैं नई वाली गन छोड़ देता हूँ और सारी की सारी बुलेट्स ही छोड़ देता हूँ मैं नई वाली गन की। फिर मेरे को पता चलता कि भाई ये तो पीछे ही चल गया था, फिर मैं इसको और डैमेज देता हूँ 16 का, फिर मैं इसके ऊपर रश करना चाहता हूँ बट यार ये बंदा तो उधर होल्ड पे होल्ड कर रहा था, फिर ये मेरे पे ग्लू वॉल मेल्टर तो फेंकना चाह रहा था पर यार इसके ग्लू वॉल मेल्टर तो बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे थे। फिर जैसे थोड़ा राइट में मैंने थोड़ा और डैमेज दिया, फिर तासिया के रश के साथ थोड़ा और उसके बाद मैंने भी थोड़ा एक यार थोड़ा कवर लिया, फिर मैंने रश के बाद इसको भाई जैसे ही मारने की चाह भाई ये तो पीछे से मार रहा था, उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर टर्न हुआ और इधर ग्लू वॉल लगाया सेफ्टी के लिए बट यार देखो यार ये इधर कैंप कर रहा था। भाई साहब कुछ बंदे इतने चालाक होते कि आप उनसे फाइट ही नहीं कर पाते सही से, और ये शॉटगन से मुझे ऑलमोस्ट मार ही देता भाई। ये बुया मेरा ऑलमोस्ट मिस होने वाला था कि मैं फटाफट से पैक कर लेता और सुपर मेडिकेट लगा लेता हूं। फिर मैं जैसे ग्लू वॉल गायब करता भाई ये देखो नई वाली गन और फिर मैं इसको थोड़ा और डैमेज देता हूं और मेरी भाई एमओ भी खत्म होने वाली थी, तो फिर मैं ग्रोसा से इसको स्कोप इन करके और स्कोप आउट करके भर ही देता हूं और लास्ट में ये बुया हो ही जाता है। तो गाइस यार क्या ही तो ओपी वाला बुया हुआ है इस मैच में, लास्ट में यार बहुत ही ओपी तरीके से मैंने खेला इसकी वजह से ये बुया हो गया। तो इस बुया से हमारा मैक 10 में मैक्स प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही और भी मैचेस खेल खेल के और भी बहुत सारे किल्स कर करके मैंने फाइनली मुंबई टॉप 59 का टाइटल लगा ही दिया।
और अगले एपिसोड में हम लोग और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपर रैंक हासिल कर सके। पर एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन गोल तो यही है कि हम लोग को इंडिया टॉप 100 में पहुंचना है। तो यार तो जरूर से वो गोल भी हमारा जल्द ही रीच हो जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक जरूर से एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको मेरा गिल्ड ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।